हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस अस। लेट अस स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th एनसीईआरटी पेज 7 इरेशनल नंबर्स। आई आल्सो डिस्कस इरेशनल नंबर इन प्रीवियस वीडियो। इरेशनल नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट सॉरी फाइव, रूट सेवन एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल 1.100, 1000 एंड सो ऑन, जो रिपीट भी नहीं होते, कभी एंड भी नहीं होता, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। किंतु हम इनको नंबर लाइन पे बड़ी इजली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। योर थर्ड एग्जाम्पल पेज नंबर सेवन, लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट ड्राए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ठीक है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रा की, तो उसमें हमने एक यहां से जीरो माना, एक एक सेंटीमीटर या एक यूनिट का, 1, 2, 3, 4, ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। लेफ्ट साइड माइनस वाले होते हैं, सभी का डिस्टेंस सेम, जितना मर्जी डिस्टेंस रख सकते हो, 1 सेंटीमीटर रख सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना मर्जी डिस्टेंस आप रख सकते हो। तो हमने इसको नंबर लाइन बनाया, सिंगल लाइन, और उसके बाद क्योंकि हमने रूट टू बताना है, तो 0 से 1 तक नंबर 1। रूट टू को देखो, हम लिख सकते हैं जो रूट टू है हमारे पास, रूट टू को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो हमें टू है, यहां पर हम पीजीटी थ्योरम का अप्लाई करेंगे। 0, 1, हमने 1 पे प्रोटेक्टर की हेल्प से या 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से 1 पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से अपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर उसके बाद जितना आपको ये दिया हुआ है उतना ये काट लोगे, जैसा कि हम काट रहे हैं। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। देखो ये 1 है आपके पास, ये 1, तो ये आपके पास रूट टू, जितनी ये वाली लेंथ है ये रूट टू आ गया, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। तो यहां से आपने जहां पर 0 यानी ओ माना है, वहां से आपने कंपास लेके जितना ये है ऐसे ड्रा कर दोगे, जिससे हमारे पास जो ये पॉइंट आ जाता है, जिसका नाम आप ए रख देते हैं, तो हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल रूट टू, जो ओ ए है इक्वल रूट टू आ गया। इस प्रकार हम नंबर लाइन पे रूट टू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो फोर्थ एग्जांपल है, जिसमें हमें रूट थ्री को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, रूट टू का पहले की तरह ही रूट टू तक प्रोसेस करना है। पहले एक नंबर लाइन लोगे, उस पे आपने 0, 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल लेंथ पे अपने नंबर्स को लिखना है। राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं। फिर 1 पे अपने कंपास से या प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर 0 से लेके 1 तक जितनी आपने ये लेंथ ली है, उतनी ही लेंथ से इसको काट देना है।
फिर इसको मिलाओगे फिर ऐसे। अब इसके बाद क्योंकि रूट थ्री का बनाना है, तो रूट थ्री का बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूट टू को बनाना पड़ेगा। रूट टू हम बना चुके हैं, तो अब इस पे, इस पॉइंट पे जहां पे मेरी, इस पे आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर से बना सकते हो, ठीक है, अथवा कंपास से बना सकते हो। जितना आपके पास ये वन था, जितना आपके पास ये वन था, उतना आप इसको कैंसिल करोगे, सॉरी कट करोगे, मेजर करोगे, उसके बाद आप इसको मिला लोगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो ये रूट टू है, ये आपका वन है, तो ये आप हमारे पास रूट थ्री हुआ, तो ये हमारे पास रूट थ्री आ गया। तो रूट थ्री के बाद आप इसको यहां से नापोगे और ऐसे सर्कल लगा दोगे, ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट मिलेगा ये रूट थ्री हुआ, ठीक है। इसी प्रकार रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी। इस प्रकार हमने इसको बनाना है। तो एक बार मैं फिर आपको ये बताता हूं रूट टू आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले एक आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है, फर्स्ट आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन जैसे हमने फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ठीक है। उसके बाद एक एक सेंटीमीटर या एक एक इंच के पॉइंट्स ले लेने हैं आपने, एक एक पॉइंट्स ले लेनी है। जैसे यहां पर मैं पॉइंट्स ही ले रहा हूं, तो यहां पर हमने 0, 1, 2, 3 ये आपका -1, ऐसे ही इसको थोड़ा और प्रोड्यूस करोगे तो ये आपके पास 2। हमने क्या करना है, क्योंकि रूट टू है, रूट टू को आप लिख सकते हो 1+1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पीजीटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, 1 पे जहां पे ये देखो ये 1 है, यहां पे हमने 90 डिग्री का कंपास से या प्रोटेक्टर से एंगल आपने बना लेना है। प्रोटेक्टर से ले सकते हो अथवा कंपास से। तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल रेडी हो गया। तो इस एंगल को आपने बना लेना है, ठीक है, इस 1 को। उसके बाद जितना आपने 1 ये मानना है, ये लेंथ सपोज की आपने 1 की, तो यहां से कट कर दोगे और इस पॉइंट को मिला लोगे। ठीक है, अब जो ये लेंथ है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, पीजीटी थ्योरम से ये आपका रूट टू हो गया। अब जितनी ये लेंथ है इसको मेजर करो और एक सर्कल ऐसे ड्रा कर। तो जो ये लेंथ आएगी, ये आपकी सपोज करो ए है, तो ओ ए आपका रूट टू रिप्रेजेंट होता है। जो ओ ए है ये आपका रूट टू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब आपने थ्री बनाना है, रूट थ्री बनाना है, तो आपने क्या करना है, इस पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेना है। इस पे आपने 90 डिग्री का कंपास से ड्रा करो, या जैसे मैंने 90 का पहले बनाया वैसे ही बना लो। फिर उसके बाद जितनी 1 की लेंथ है, ओ से लेके 1 तक की जो लेंथ है, 2 के ऊपर ही बनेगा, तो हमने ऐसे कट किया, देखो ऐसे कट किया। फिर हम इस पॉइंट और ओ को ज्वाइन कर लेते हैं,
उसके बाद ऐसे ये जो बताएगा ये आपका रूट थ्री होगा। सपोज करो ये बी है तो ओ बी जो आपका रूट थ्री को रिप्रेजेंट करता है, जो ओ बी है वो आपका रूट थ्री को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे आपने बनाया वैसे ही इसकी फोर फाइव स्टेप कंस्ट्रक्शन के भी लिखने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।